हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। जैसे कि आप पता है, आज एग्ज़ाम हुआ था दुर्गा शक्ति का, 12 तारीख 12वां महीना 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट की आंसर की आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको जो आंसर की बताऊंगा 100% करेक्ट आपको आंसर की बताऊंगा, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जो आंसर की है, एक एक क्वेश्चन को डीपली से एनालिसिस किया गया है, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा, सभी की सभी जो आंसर की मिलेगी 100% एक्यूरेट मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? इसका आएगा आंसर नंबर ए, प्रोजेक्टर। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। हरियाणा राज्य में बाजार समिति के अध्यक्ष और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीन की। ठीक है, 1 रुपये की नारंगी बेचने के द्वारा एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई और 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वो बेचेगा? इसकी बात करता हूँ, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बेचेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर स्थित नहीं है? इसका आएगा ऑप्शन बी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की। जो क्वेश्चन नंबर पाँच है, इसने पूछा है भाई 6 के निचले सतह पर क्या था? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 5 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी द्वारा, ठीक है, इंडिया लिमिटेड और सर्वाधिक उद्यम खालिस्तान के उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या आएगा? इसका क्वेश्चन नंबर आंसर आएगा बी, महारत्न। ठीक है, इसका आएगा बी, महारत्न आएगा। क्वेश्चन नंबर सात का, ठीक है, अगला है 1869 में वनीला अफ्रीका की संधि के बीच कौन किसकी संधि हुई थी? इसका आएगा ऑप्शन ए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की इसमें संधि हुई थी। फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आठ की। एक घड़ी की सुई 1 घंटे में 6 मिनट आगे चलती है, ठीक है, और सुबह 8 बजे सेट, ठीक है, किया जाता है, तो उस घड़ी का शाम का टाइम कितना होगा? यदि इसका शाम के टाइम की बात करता हूँ तो इसका आएगा शाम को 8 बजे। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अधिकतम अंकों का 36% आवांशिक है और एक विद्यार्थी 113 अंक मिले हैं और वह 85 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक कितने होंगे? तो अधिकतम अंक की बात करता हूँ, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 550 होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नगर को हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? इसका बात करता हूँ तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कब गंगा बाढ़ निरंतर आयोग को पटना में स्थापित किया गया? इसका आएगा, इसकी बात करता हूं तो इसका आएगा अप्रैल 1972, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं कि 14वां गुट रिप्लेस सम्मेलन आयोजित कहां हुआ था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, हवाना के अंदर हुआ था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज जाने के लिए 1 घंटा और 40 मिनट लगती है और कॉलेज प्रातः 9:40 पर शुरू होता है। यदि विद्यार्थी कॉलेज 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो वह घर से कितने बजे निकलेगा? तो वह घर से कितने बजे निकलेगा? इसका आएगा प्रातः 8:50 पर। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीट है? कुल कितनी सीट है हरियाणा की? मैं बात करता हूँ तो 90 सीट है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का। निम्नलिखित में से 3 वृत्त है, पहला वृत्त गेहूं क्षेत्र को दर्शाता है, दूसरा चावल को, तीसरा चने को। इसने पूछा गेहूँ चना चावल इनमें से कौन सा दर्शाता है? तो मैं इसकी बात करूँ, इसका आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ई आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, एक खालिस्तान छोटा सुरक्षा डाटा सुरक्षा आक्रमण को श्रृंखला के एक साथ बड़े आक्रमण को में परिणति होती है, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फिनिशिंग आएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ। 60 लीटर का एक मिश्रण दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात कितना है? 1:2 हो और आगे मिलाने पर उसे कितना लीटर हो जाएगा? इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। ठीक है, निम्नलिखित में से हरियाणा भैंस की कौन सी किस्म को काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन डी, मुर्रा को कहा जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो आएगा, मैं बात करता हूँ जो न्यूमेरिकल है, इसका आएगा बी आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 की बात करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कोबलेट जानवर कौन सा है? ठीक है, इसका क्या आएगा? इसका आएगा आंसर नंबर ए।
ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जो फेसबुक को खालिस्तान वर्ष सोशल नेटवर्क और सेवा वेबसाइट को लॉन्च किया गया था, मैं इसकी बात करूँ, इसका आएगा आंसर नंबर डी आएगा, 2004 के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूँ, पशुधन को नीली जीभ का रोग किसके कारण होता है, मैं इसकी बात करूँ, 23 का आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन डी, वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 का, निम्नलिखित में से भारत के किस नगर में नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचनांक और डैशबोर्ड 2021 और 22 से शीर्ष पर स्थापित किया गया था, इसका क्या आएगा, इसके आंसर की बात करता हूँ तो इसका आंसर आएगा आंसर ए, शिमला, ठीक है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है, इसकी बात करता हूँ, इसका आएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी पर, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, मोहन जहाँ खड़ा है वहाँ से 7 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर चलता है और बाएं ओर मुड़ जाता है और सीधा 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ जाता है और वह 7 किलोमीटर चलता है, वह जहाँ से चलता है वहाँ से अभी कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो इसकी आंसर बात करूँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, एक इसका आंसर आएगा। फिर आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 को, एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो 66 बार हाथ मिला पाता है, तो कमरे के अंदर कुल कितने संख्या थे, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 12 व्यक्ति से हाथ मिला सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, क्वेश्चन नंबर किस प्रकार के अग्नाशय थैलेमस का सर्वोच्च स्थान होता है, ठीक है, इसकी बात करता हूँ तो इसका आंसर आएगा, मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन सी, ठीक है। और 29 क्वेश्चन की बात करूँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में से कोई कौन सा शामिल नहीं था, ठीक है, ये आंसर मुझे अभी तक मिला नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिस बच्चों को इसका आंसर पता हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है, मैं आपको कोई भी गलत आंसर नहीं बताऊंगा, जिसका आंसर नहीं पता होगा तो मैं मना कर दूंगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, किस फर्म द्वारा प्रयुक्त इनपुट और उत्पादित आउटपुट के खालिस्तान के बीच में संबंध माना जाता है, तो मैं इसके आंसर की बात करता हूँ, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक कौन है, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करता हूँ, हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसकी बात करता हूँ तो इसका आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूँ, ठीक है, 33 का जो है, कंप्यूटर नेटवर्क में खालिस्तान प्रणाली का उपयोग किया जाता है और विभिन्न उपभोक्ता में एक ही नेटवर्क पर समान डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को अनुपित किया जाता है, तो इसका आएगा क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर आएगा, ठीक है। और ये 80% बता रहा हूँ कि इसका 80% आंसर ए आ सकता है, कुछ डाउट भी हो सकता है, आप देख लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूँ, GUI का क्या अर्थ है, GUI की बात करता हूँ तो इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करता हूँ, WW हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज खालिस्तान माना गया, तो क्या आएगा इसका आंसर, ए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करता हूँ, तो खालिस्तान दो या दो से अधिक घटक उपकरणों के बीच कनेक्शन का एक सेट है जो गतों के स्रोत से एक शब्द सभी बिट्स से स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर इसका आंसर आएगा। फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 33, नीली क्रांति का शब्द किससे संबंधित है, नीली क्रांति की बात करता हूँ तो सभी को पता है मछली से संबंधित है, ठीक है। हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर आपको एक कूट दे रखी है, इसका आंसर बात करता हूँ, इसने पूछा कि रैपिड खालिस्तान को दर्शाता है, रैपिड किसको दर्शाता है, मैं बात करता हूँ तो इसका आएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करता हूँ, ठीक है, 40 की बात करता हूँ कि एक सामान्य चाल 5/6 चले व्यक्ति को अपने कार्य पर 10 मिनट देरी से पहुँचता है, मैं इसके आंसर की बात करता हूँ, इसका आंसर आएगा डी, 1 घंटा इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करता हूँ, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग खालिस्तान NH पर स्थित है, तो बात करता हूँ किसका, NH 1 पर स्थित है जो आज के टाइम में NH 44 हो गया है, ठीक है। फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो भ्रष्टाचार की समस्या, काला धन, आतंकवादी और अर्थव्यवस्था से नकली करेंसी प्रचलन को निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत को किसके द्वारा एक नई नीति पहल की गई थी, इसका आएगा क्वेश्चन नंबर डी आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करूँ, मेरी माँ एक, ठीक है, कि एकलौती बेटी की रिश्ते, इसका आंसर क्या आएगा, मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करता हूँ तो आपको एक जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो निकाला था, इसका आंसर रहेगा बी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करता हूँ तो, ठीक है, कौन सा वार्षिक भुगतान 8% का जो क्वेश्चन है, जो 5 वर्षों के लिए दे रखा है 580 का, इसका आंसर निकालने पर आया था ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आया था। और क्वेश्चन नंबर 46 की बात करता हूँ, जो 46 का क्वेश्चन दिया गया है, सड़क
यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौत और चोट को कम से कम करने के लिए हरियाणा पुलिस पहल सरना निम्नलिखित में से किस पर की गई है, वो की गई है NH-44 पर की गई है, जो शेरशाह सूरी मार्ग है। ठीक है, फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 की। अभी फिलहाल विधानसभा के स्पीकर अपने कौन है? ठीक है, इसने प्रथम स्पीकर पूछा है, प्रथम स्पीकर सन्नो देवी और वर्तमान ठीक है, प्रथम स्पीकर कौन है? सन्नो देवी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर आया है वो आया आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 की मैं बात करता हूँ, जो कंप्यूटर का क्वेश्चन, डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 को प्रत्येक वर्कबुक में खाली स्थान आरक्षित है, तो मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 की। हरियाणा सरकार में किसान में से मछली पकड़ने का स्रोत किसमें है, तो मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। जिस बच्चों को भी इसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि इसका क्या आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। जो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है, बिना किसी प्रथा या स्वार्थ के दूसरे लोगों का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किसका सिद्धांत है, तो मैं इसकी बात करता हूं, तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 है जो रीजनिंग का, जो मैं इसका बात करता हूं, तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 53 की बात करता हूं, तो एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तथा पुनः 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाद में 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं, तो इसका आंसर जो निकाला था तब आया था आंसर, ठीक है, आंसर बी आया था 13 किलोमीटर। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 54 का भी आंसर बी आ रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। निम्नलिखित में से जलीय वातावरण का अनुकरण प्रारंभ होता है, मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसका आंसर जो, ठीक है, इसका आंसर जहाँ तक पता है कि इसका आंसर सी है, और लेकिन अभी इसी पे डाउट है, जिसको भी इसका राइट आंसर पता हो वो जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 56 की बात करता हूँ, तो 56 का जो आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रिंटर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करूँ, खालिस्तान का प्रयोग सभी पतों को दिखाए बिना प्रतों और संदेश भेजने के लिए किया जाता है, तो मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसका आंसर आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर डी। 58 की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से हाल ही में कौशल रोजगार निगम और हरियाणा के मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो इसके आंसर की बात करता हूँ, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शरणदीप कौर, ठीक है, बरवाला। ठीक है, फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 59 की, जो इको का क्वेश्चन है, तो मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसका आंसर जो आया था इको का अंदर, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ईरान सरकार को निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा शुरू की गई थी, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो माना। फिर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करता हूँ, जो आपका जो 60 क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन है, इसकी बात करता हूँ, तो इसका आंसर निकालने पर आया था, जो मैं बात करता हूँ, तो बी आया था। ठीक है, 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करता हूँ, जो रीजनिंग का, जो मैथ का क्वेश्चन है, इसकी बात करता हूं, तो इसमें से क्या था कि कमल अपनी बहन वीना और विजय से 2 साल बड़ी है और 5 गुना बड़ा है, तो इसका आंसर निकालने पे आया था, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 62 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया था FERA खालिस्तान के लिए आता है, तो इसका आंसर आया था बी आएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलर एक्ट। ठीक है, जो जितने भी आंसर है जो 100% एक्यूरेट है, सभी को जांच करने के बाद ही मैं वीडियो आपके बना रहा हूं, सभी के आंसर चेक किए गए हैं। ठीक है, 100% जो आंसर की है वो 100% एक्यूरेट है, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा ऑफिशियल आंसर की से। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 63 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करूं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करूं, जो 64 और 65 क्या, वो लुप्त संख्या बतानी थी, इसका जो इसका आएगा, इसमें आएगा 39, और 65 वाले में बात करता हूं, तो इसका आंसर आएगा 28। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पक्षी है। ठीक है, इसकी बात करता हूं, तो सभी को पता क्या है, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 67 की बात करता हूं, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ए आएगा, विभिन्न लंबाई के पुरस्कार। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 68 जो मैथ का अच्छा क्वेश्चन था, जो काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हुए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करूँ, इसमें 5 बेंच था, जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, ये अभी तक सोल्व आउट नहीं हुआ, जिससे भी सोल्व आउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। जहाँ तक इसका आंसर आ रहा है वो बी और सी दोनों आ रहे हैं। ठीक है, आप एक बार चेक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। मैं 70 की क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, यह एक समाज के भीतर व्यक्ति के बीच संबंधों पर है। ठीक है, इसका आंसर की बात करूं, इसका आंसर ए आएगा, प्रतिक्रम अतः क्रियावाद। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 71 की बात करता हूं, 71 का जो आपका, ठीक है, जो इसका जो आंसर है, इसका आंसर के आने की क्या थी, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72
बेहतर की बात करता हूँ, ठीक है। एक सिद्धांतिक दृष्टिकोण जो समाज की रचना के रूप में देखा गया है, जो उस समाज को बनाने वाले व्यक्ति को जैविक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, इसके संबंध भाग से कहते उसे क्या कहते हैं, इसके बात करता हूँ तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करता हूँ, सिरेक वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर है, ये क्वेश्चन हरियाणा में पता नहीं कितनी बार आज तक पूछा है, इसका आंसर राजस्थान है, हरियाणा जीके काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बटालियन आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 की बात करता हूँ तो इसके 75 के अंदर से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, ठीक है, नहीं है, तो इसके बाद मैं बात करता हूँ तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 की बात करता हूँ, जलकाई मशीन का आविष्कार किसने कही किया था, इसका आंसर बात करूँ इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रिचर्ड ऑर्कराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करूँ, आसियान की स्थापना कब की गई थी, आसियान की स्थापना की गई थी 1967 के अंदर की गई थी, 1967 में की गई थी, 2 जून 1967 को इसकी की गई थी, ठीक है। 78 क्वेश्चन की बात करूँ कि विश्व स्वास्थ्य दिवस खालिस्तान प्रतिवर्ष मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस की बात करूँ तो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, वसा और तेल के घुलनशील कौन से हैं, मैं इसकी बात करता हूँ, इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 80 का जो कंप्यूटर का अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज हुए, तो इसका आंसर जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप खालिस्तान चुनते हैं तो उपयोगता द्वारा चुने गए डिजाइन का उपयोग करके जिसमें एक स्लाइड शामिल होती है, एक नई पुस्तक आती है, वो कहलाती है डिजाइन, ठीक है, टेम्पल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 81 में यदि एक कोड को रैम्बो और जो आपको ये जो रैम्बो वाला क्वेश्चन था इसके आंसर की बात करता हूँ, इसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, ठीक है। श्री विजय अपनी कक्षा में 9 रैंक ऊपर और नीचे 38 रैंक जाते हैं, वो कुल विद्यार्थी की संख्या पूछी गई थी, कुल विद्यार्थी थे 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 83 की, 83 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है, जो आपसे एलसीएम जिसका आपका एलसीएम पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, हरियाणा में लाल लाजपत पशु विज्ञान चिकित्सालय वो कहाँ पर स्थित है, वो हिसार के अंदर स्थित है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद बात करता हूँ कि मनुष्य लंबे समय तक न केवल विभिन्न प्रकार की जीव और उसकी विविधता के बारे में जानने के लिए रुचित है, बल्कि उनके बीच संबंधों को बारे में जानना और उसके अध्ययन की सतह को क्या कहलाते हैं, मैं इसकी आंसर की बात करता हूं तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 86 है इसका आंसर आएगा, मैं बात करता हूँ सी, इसका आंसर आएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ अल्टिप ग्लोबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 की बात करता हूँ, स्लेस एंड बर्न कृषि खालिस्तान में मिलपा था, तो इसका आंसर आएगा मेक्सिको, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला कि बाई और 21वां अक्षर कौन सा होता है, बाई ओर से पूछा गया तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 69 की बात करता हूँ, एक पिंड का आवेग 25% बढ़ा दिया गया तो गतिज ऊर्जा में लगभग कितने प्रतिशत बढ़ेगी, तो इसका आंसर आएगा, यदि इसका आंसर बताऊँ तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 56%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करता हूँ, फीफा रैंकिंग 2021 में भारत नंबर कौन से स्थान पर है, तो मैं बात करता हूँ 106वें स्थान पर है, ठीक है। फिर अपने क्वेश्चन बताता हूँ, इंग्लिश के क्वेश्चन बताता हूँ, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन था आई सा हिम खालिस्तान द क्राउड, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, इन द क्राउड, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 की बात करता हूँ, ही फाउंड गोल्ड कॉइन खालिस्तान, तो इसके मैं बात करता हूँ तो इसका आंसर मुझे सी भी लग रहा है और ए भी लग रहा है, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर मैं 93 की बात करता हूँ, ही इज खालिस्तान LLB, इसकी बात करता हूँ, इसका आएगा NLLB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करता हूँ, खालिस्तान बॉय सिंह, ठीक है, यदि मैं 94 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा जो मैं बताऊँ आपको सी इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 95, ही इसने फिलिंग्स द ब्लैंक्स करना द बॉय खालिस्तान रेस्टेड हिम, तो इसके आंसर बात करता हूँ 95 के आंसर की बात करता हूँ तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 96 की, हिंदी की बात करता हूँ तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चलते चलते खालिस्तान शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करता हूँ तो 97 का आंसर आएगा पोखर, ठीक है, ठीक है। फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 98 की बात करता हूँ, अपराधी शब्द खालिस्तान से स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करता हूँ तो विषयक के रूप में शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर की बात करूँ इसका आंसर शायद ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई भी हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिसको इसका आंसर पता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 100 की, मैं 100 की बताऊँ तो उचित शब्द के रूप में लिखने वाले वस्तु को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वर्तनी कहा जाता है, ठीक है।
नहीं वर्तनी नहीं कहा जाता। इसका आंसर जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में अंदर जरूर पता इसका क्या आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।